सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि राठौर, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRCTC, जो कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, एक ऐसी साइट है जहाँ पर आप घर बैठे ही अपने लिए टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ से अवेलेबिलिटी सारी जानकारी यहीं से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, IRCTC एक ऐसी साइट है जहाँ पर आप घर बैठे ही अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आप बिना ID पासवर्ड के, पहले तो चेक नहीं होता था लेकिन अब यहाँ पर अपडेट हो चुका है, क्योंकि पहले चेक करने के लिए आपको यहाँ पर ID पासवर्ड क्रिएट करना होता था लेकिन यहाँ पर अपडेट के चलते अब आप बिना ID पासवर्ड के भी यहाँ पर सारी ट्रेन की जानकारी ले सकते हैं। आप रिजर्वेशन करने से पहले ट्रेन में सीट अवेलेबल है या नहीं ये भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी दिखाया जाएगा कि एक पर्सन पर कितना पैसा लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम आपको हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाएंगे कि यहाँ पर आप सारी जानकारी बिना ID पासवर्ड क्रिएट किए कैसे चेक कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रेन की सारी जानकारी भी आप ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब चेक किया जाता है बिना ID पासवर्ड के। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम हमारे क्रोम ब्राउज़र में जाकर यहाँ से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से चेक किया जाता है बिना ID पासवर्ड के। हमने गूगल पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको टाइप करना है IRCTC। ठीक है, यहाँ पर आपको पहली वाली IRCTC नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम, इस पर क्लिक करना है। देखिए ओपन हो रहा है। इसका जो होम पेज होगा वहीं पर हमको सारा काम करना है। ये देखिए, यहाँ पर इस साइट को अपडेट कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि आपको यहाँ से जानकारी लेने के लिए आपको यहाँ पर ID पासवर्ड क्रिएट करने होते थे। यहाँ पर आपको यहाँ से आपको लॉगिन करना होता था, पहले तो यहाँ से रजिस्टर करना होता था, इसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना होता था। लेकिन अब सारी जानकारी आपको यहाँ पर इसी पेज पर आपको देखने को मिल जाएगी, यहीं से आप सारी जानकारी चेक कर सकते हैं। ठीक है कि आप कौन सी ट्रेन से जाना पसंद करना चाहते हैं, आपकी ट्रेन में किस तरीके की क्लास आपको बढ़िया लगती है, जैसे कि यहाँ पर सारी क्लास दी है। ठीक है, आप चाहे जो क्लास आपको अच्छी लगे इस क्लास के लिए आप टिकट यहाँ से चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम मान लीजिए चेक करते हैं यहाँ से, तो हम डालते हैं भोपाल, ठीक है, ये भोपाल का कोड हो गया। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं इंदौर, यहाँ से हम इंदौर के लिए अगर देखें तो यहाँ से आप डेट चेक कर लीजिएगा, आपको किस डेट में जाना है। मान लीजिए नवंबर, हम दिसंबर की कोई भी तारीख ले लेते हैं, मान लीजिए 4 तारीख ले ली हमने दिसंबर की। यहाँ से हमें क्लास स्लीपर क्लास ही ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसका यहाँ पर पहले आपको फाइन ट्रेन्स पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको जो जो ट्रेन अवेलेबल रहेगी वो सारी आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगी। देखिए यहाँ पर अब ये सारी ट्रेन हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेनें हैं आपको भोपाल से इंदौर के लिए स्लीपर क्लास में। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अवेलेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर आपको सीट मिल रही है या नहीं ट्रेन पर, ये देखिए यहाँ पर अवेलेबल, यहाँ पर ठीक है 4 तारीख में भी अवेलेबल है, 5 तारीख में भी, 6, 7, 8, 9 सारी तारीख में आपको यहाँ पर सीट अवेलेबल रहेगी। रही बात वन पर्सन का जो चार्ज है, जो कि यहाँ देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा 195 रुपये, यहाँ से आपको एक पर्सन का आपको देना होता है। ठीक है, यहाँ पर बुक नाउ पर क्लिक कर देखते हम, तो अब यहाँ पर आपको अपने ID पासवर्ड देने होंगे। ठीक है, सारी जानकारी तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से बुक करना चाहते हैं, अपनी टिकट कंफर्म करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको अपना ID पासवर्ड देना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद देन यहाँ से लॉगिन करना होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आप रेलवे स्टेशन जाकर रिजर्वेशन करवा सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ चेक करने के लिए अगर आप इस वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले जो होता था यहाँ पर आपको अपने ID पासवर्ड पहले देने ही होते थे, इसके बाद ही आपको
सारी जानकारी देखने को मिलती थी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर चेक कर लिया है कि इन इन तारीख में हमें सीट अवेलेबल, यहाँ पर 17 सीट अवेलेबल, यहाँ पर 31, यहाँ पर 20, यहाँ पर 19, यहाँ पर 17, यहाँ पर 19। देखिए इसी डेट में इतनी इतनी सीट हमें खाली मिल रही है, और यहाँ पर हमें चार्ज भी बता दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आसान हो जाता है काम करना, क्योंकि हमने यहाँ पर सारी जानकारी ले ली। अब हमें जाकर सिर्फ स्टेशन पर जाकर फॉर्म फिल करना होता है और जमा करना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें कन्फर्म सीट मिल रही है। अगर हम दूसरी ट्रेन में अगर चेक करना चाहें तो जैसे ये रही, इस ट्रेन से अगर हम जाना पसंद करना चाहें, सभी के अलग अलग चॉइसेस रहती कि कौन सी ट्रेन से जाना वो पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 तारीख में 3 वेटिंग है, यहाँ पर 4 तारीख में अवेलेबल नहीं है, बाकी 5 से आपको स्टार्ट है, यहाँ पर 4 तारीख में अवेलेबल नहीं है। अगर हम मालवा एक्सप्रेस से जाना चाहें तो देखिए यहाँ पर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ट्रेन फास्ट है। तो देखिए ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको किराया लग रहा है केवल 110 रुपये, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 215 रुपये यहाँ पर लग रहा है आपका चार्ज। ठीक है, यहाँ से स्लीपर क्लास ये भी है और स्लीपर क्लास ये भी, यहाँ पर आपको चार्ज बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ट्रेन्स का भी होता है यहाँ पर। ट्रेन्स कोई कोई सी ट्रेन्स ऐसी होती है जो कि जल्दी आपको वहाँ तक पहुँचा देती है, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आप यहाँ से फिर बुक करना चाहते हैं तो एक बार फिर से बता दूँ, जैसे आप यहाँ पर बुक नाउ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ID पासवर्ड देने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेन चेक कर सकते हैं अपनी IRCTC वेबसाइट पर, बिल्कुल बिना ID पासवर्ड डाले हुए सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप कन्फर्म है कि हमें इस ट्रेन से जाना है तो आप यहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं, और भी जानकारी आप ले सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से आपको फ्लाइट, ये देखिए फ्लाइट की जानकारी भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हमने फ्लाइट पर अगर क्लिक किया तो फ्लाइट की जानकारी भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए जैसे ही हमने ट्रेन चेक करे, इस तरीके से हम यहाँ से फ्लाइट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कौन से स्टेशन से जाना है, कौन से स्टेशन उतरना है, यहाँ आपको डेट देनी होगी, रिटर्न डेट भी आप चाहे तो दे सकते हैं, यहाँ जाकर आप सर्च कर सकते हैं। जिस बिल्कुल आसान सा मेथड है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। जैसे हमने ट्रेन चेक की वैसे ही आप चेक कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पर करता हूँ क्लोज। तो फ्रेंड्स देखा आपने, इस तरीके से आप अपनी सारी जानकारी यहाँ पर चेक कर सकते हैं बिना अपनी ID पासवर्ड डाले हुए। अगर आपको यहाँ से टिकट बुक करना है, कंफर्म करना है अपनी सीट यहीं से घर बैठे आपको बुक करना है अपनी ट्रेन के लिए, तो उसके लिए आपको ID पासवर्ड देना होगा। लेकिन पहले जो होता था कि आपको इतनी जानकारी भी नहीं देखने को मिलती थी, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले ID पासवर्ड बनाने पड़ते थे, उसके बाद आपको लॉगिन करके यहाँ पर चेक करना होता था। लेकिन अब यहाँ पर अपडेट कर दिया है कि आप बिना ID पासवर्ड यहाँ पर डाले सारी जानकारी चेक कर सकते हैं, और अगर आप बुक करना चाहें तो यहाँ पर आपको ID पासवर्ड देना होगा। तो यही जानकारी आज की वीडियो में आपको देनी थी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। बाय।